मॉड्यूल वन जिसके अंदर हम अप्लाइड हिप्नोसिस को हम आगे पढ़ रहे हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस, यानी कि हिस्ट्री अब तक क्या हुई है, पहले कैसे होता था अब कैसे होता है। अब हम इसका थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर करते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर एक तो माइंड के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, यानी माइंड की थियोरीज क्या क्या होती हैं, किस किस थ्योरी में किस प्रकार उसको एक्सप्लेन करा गया है। उसके बाद माइंड फंक्शन कैसे करता है, कार्य करने की इसकी प्रणाली क्या है, और साथ साथ में फिर माइंड का मॉडल क्या है, किस मॉडल पे माइंड काम करता है, ये तीन मुख्य इसके अंदर पहलू हैं। इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, वो भी बीच बीच में आएंगी। तो माइंड का डिस्कशन करने के बाद हम आगे चलेंगे फिर हिप्नोसिस के प्रोसेस के अंदर, कि हिप्नोसिस का जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स क्या हैं और उसे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे डीपनिंग कैसे करते हैं, शुरू में इंडक्शन कैसे करते हैं, डीपनिंग कैसे करते हैं, लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें उसके अंदर आएंगी। और इस मॉड्यूल के आखिर में होगा कि पर्सनैलिटी का क्या असर होता है, उसका कैसे प्रयोग करते हैं। पहले हम इसको जानने के लिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने हिप्नोसिस में ही नहीं, साइकोलॉजी के अलग अलग पहलुओं के अंदर माइंड को कैसे डिफाइन करा है। हमें ये समझ लेने की आवश्यकता है कि माइंड है एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। माइंड कोई भौतिक चीज़ नहीं है, कोई भौतिक अंग हमारे माइंड नहीं है। कुछ लोग जो पहली बार ऐसा सुनते हैं उन्हें अजीब लगता है, शायद उन्होंने सोचा होता है कि ब्रेन को ही माइंड कहते हैं। ऐसा नहीं है, ब्रेन एक हमारा भौतिक अंग है, एक शरीर का हिस्सा है, जबकि माइंड एक शरीर का अंग नहीं है। अगर समझने में कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो इसको ज़्यादा जानकारी के लिए ऐसा करें, जैसे हम कह देते हैं आत्मा हमारे शरीर के साथ है, लेकिन आत्मा नाम का कोई अंग नहीं होता है। इसी प्रकार मन नाम का भी कोई अंग नहीं होता है। इसको ऐसे माने जैसे कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे शरीर का एक हमारा स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है, फिजिकल बॉडी और सटल बॉडी जैसे होती है। इसी प्रकार हम माइंड का करेंगे, माइंड में हमारे जैसे एक ब्रेन है और ब्रेन का काउंटर पार्ट है माइंड। जैसे हार्डवेयर एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक सर्टन टाइप का प्रोग्राम लोड किया जा सकता है, उस पर चल सकता है, और सर्टन टाइप का ही चल सकता है। अगर उसे एडवांस प्रोग्राम होगा तो उसका हार्डवेयर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो एसेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो उसकी ज़रूरत होती है। इसी प्रकार हमारे माइंड की भी ज़रूरत होती है कि हमारा ब्रेन का कॉन्फ़िगरेशन, हमारे शरीर का कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो, किस प्रकार का हो, यानी हमारे इंसानी ब्रेन के साथ ही इंसानी माइंड जुड़ सकता है, अगर दूसरे शब्दों में कहें। कुछ और बातें जैसे कहते हैं कि ये मंद बुद्धि है, ये तीव्र बुद्धि है, ये सारी बातें माइंड पर बहुत ज़्यादा लागू नहीं होती हैं, ये ब्रेन पर ज़्यादा लागू होती हैं, क्योंकि माइंड को फिर आगे जब गहराई में जाएंगे तो हमें लगेगा कि माइंड तो एक प्रकार का सागर है, या एक अनंत बहुत अनंत सागर से जोड़ने की एक बीच में लिंक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो माइंड को हम जो समझेंगे, तीन अलग अलग थ्योरी जो कि ब्रेन से रिलेटेड है उनके बारे में जानेंगे, और उसके बाद माइंड के मॉडल पर जाएंगे। जो तीन थ्योरीज हैं वो हैं, पहला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थियोरी, और दूसरी थ्योरी हम करेंगे इनहिबिशन थ्योरी, और इसमें तीसरी थ्योरी करेंगे स्प्लिट ब्रेन थियोरी। ये तीन अलग अलग प्रकार की एक्सप्लेनेशंस हैं। इन तीनों एक्सप्लेनेशंस में भी आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि कुछ ना कुछ एलिमेंट सिमिलर है, क्योंकि एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से डिफाइन किया गया है, और उनके अंदर से जुड़े हुए जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी इनके साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी हमें तीन ब्रेन की थ्योरी कह लीजिए, या तीन माइंड, तीन ढंग से माइंड को हमने समझने की कोशिश करनी है, वो इसके अंदर हम जिक्र करेंगे, तीनों को अलग अलग करेंगे, उसके बाद इसके मॉडल के ऊपर हम जाएंगे।